गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम चैप्टर 8 रीड कर रहे थे। चैप्टर 8 में हमने शेप्स ग्रुप के बारे में रीड कर लिया था। अभी आज हम रीड करेंगे राउंडेड रिक्टेंगल टूल। राउंडेड रिक्टेंगल टूल के बारे में रीड करेंगे। दिस टूल इज यूज टू ड्रा ए रिक्टेंगल और ए स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स। फॉलो द गिवन स्टेप टू डू सो। क्या कह रहा है, दिस टूल इज यूज टू ड्रा ए रिक्टेंगल और ए स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स। क्या कह रहा है, ये जो राउंडेड रिक्टेंगल टूल होता है इसका यूज हम रिक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए या स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम राउंड भी इसी से कर सकते हैं। स्टेप वन है इसके, हमें कुछ स्टेप हैं इसको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा, क्लिक ऑन द राउंडेड रिक्टेंगल टूल। पैसा से पहले हमें राउंडेड रिक्टेंगल टूल पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये रिक्टेंगल टूल के बगल में दिए हुए हैं राउंडेड रिक्टेंगल टूल। तो फर्स्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप है आपका, सिलेक्ट द विथ थिकनेस ऑफ द लाइन फ्रॉम द साइज टूल। ये आपके हैं साइज टूल, यहाँ से हमें थिकनेस और इसकी जो विथ चाहिए होगी हमें रिक्टेंगल टूल की, वो हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप थ्री में, सिलेक्ट कलर वन ब्लू एंड ड्रैग द माउस टू ड्रा ए रिक्टेंगल टूल। उसके यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए हो। यहाँ पे इसने ब्लू सिलेक्ट किया, लेकिन आपको जो कलर चाहिए हो, जिस कलर में आपको रिक्टेंगल बनाना हो, वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। माउस की सहायता से हम राउंडेड रिक्टेंगल टूल को ड्रा कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में, टू ड्रॉ ए पॉलीगॉन सेलेक्ट ए पॉलीगॉन टूल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप गिवन द ऑन द रिबन। क्या कहता है, पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए हमें ग्रुप शेप से पॉलीगॉन टूल को क्या कहना होता है, सिलेक्ट करना होता है। यही हमारे ये हमारे यहाँ पे पॉलीगॉन टूल दी हुई, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका स्टेप होता है, फर्स्ट क्लिक ऑन द पॉलीगॉन टूल। सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है हमारा, सेलेक्ट द विथ थिकनेस ऑफ लाइन फ्रॉम साइज टूल। उसके यहाँ से हम, जैसे हमने रेक्टेंगल टूल में किया था, यहाँ से हम साइज विथ और साइज हम यहाँ पे थिकनेस जो होगी हमारे, हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेप है सेलेक्ट कलर, यहीं से हम कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए होता है। इसमें इसे रेड सेलेक्ट किया है। एंड नाउ प्लेस द पॉइंटर व्हेयर यू वांट योर सेकेंड साइड ऑफ पॉलीगॉन टू इन द क्लिक। रिपीट दिस प्रोसेस टिल योर पॉलीगॉन इज कम्प्लीटेड। कहेगा सेलेक्ट कलर वन रेड। तो क्या इसने कलर वन से सिलेक्ट किया रेड कलर, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सिलेक्ट कलर वन रेड एंड नाउ प्लेस द पॉइंटर व्हेयर यू वांट योर सेकेंड साइड ऑफ पॉलीगॉन टू इन एंड क्लिक। क्या कह रहा है, आपको पहले कलर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको पॉइंटर को वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको पॉइंटर क्या होता है, आपको सेकंड साइड चाहिए होती है पॉलीगॉन को एंड करने के लिए। तो हम उस तरफ उसको ड्रॉ करते हैं। रिपीट दिस प्रोसेस टिल योर पॉलीगॉन इज, इस प्रोसेस को तब तक हमें रिपीट करना है जब तक हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये हमारा बन गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टुमारो कर्व टूर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।